बाय मम्मी, मैं जा रही हूँ। मिठाई मंगवा के रखना, आपकी बेटी टॉप करने वाली है। आपको क्या लगता है इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? बहुत खर्चे लगते हैं इसके लिए। चलो सारे बच्चे एंट्री शीट सबमिट करो, टाइम ओवर हो गया, जल्दी। सर पे क्यों खड़ी हो? जाओगी बुलडोजर बुलवाऊं भेजने के लिए? नहीं मैम, वो देखो। अरे मैम वहां नहीं, यहाँ। This is good. मैडम को मुझसे गोल गोल अंडा दे दिया, अब मम्मी घर जाके मेरा अंडा बनाएगी। पता नहीं क्या है उस बुढ़िया को भी, जब देखो तब चै चै करती रह रहा है। मुझे क्या, गाड़ियां ही गिन लेता हूँ। हाय मेरा ढोला बेटा आ गया। नहीं मम्मी अभी रखते हो, 10 मिनट बाद आऊंगा। तूने कान में इयररिंग क्यों पहन रखी है? अरे बस में मिल गए थे, पहन लिए मैंने, आपको क्या दिक्कत है? विश्वास नहीं करोगे, पूरे स्कूल की नाक में दम करके रख रखा है इसमें। देखो इसकी आंसर शीट देखो, टीचर चाह के भी पास नहीं कर पाई है इसे। सॉरी मैडम, ध्यान रखेंगे आगे से इसकी पढ़ाई का। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं तो देखा है? अरे मैडम मेरी सगी मम्मी है ना, बिल्कुल मेरे जैसा चेहरा है देखो, और स्कूल में तो आती जाती रहती है, आपने तभी देख लिया होगा, है ना मम्मी? हाँ बेटा। मैं कुछ तो करना है। कल रात में ना कटहल खा लिया था मैंने, इतना बुरा बनाती है ना मेरी जो कुक है ना, इतना बुरा खाना बनाती है। मैं तो सोच रही हूँ उसकी सैलरी आधी कर दूँ। आधी नहीं, मैं सोच रही हूँ उसको नौकरी से निकाल दूँ।
बड़ा ही बुरा खाना बनाती है वो। क्या बकवास कर रही है तुम? कल इतना अच्छा कटहल बना के दिए थे हम, ताजा ताजा खुद खरीद के लाए थे, इन्हीं हाथों से मसाला चुन चुन के डाले थे, चटकारे लेके खा रही थी, बकवास कर रही हो। इतने साल से काम कर रहे, तुम्हारे यहाँ कुछ मांगे बताओ। बढ़िया है। मम्मी, मम्मी है तुम्हारी ये? अरे मैम, मेरे से बड़ी है, माँ समान है, मैं सारी अपनी बड़ी सब बड़ों को मैं मम्मी बोलती हूँ। मम्मी जाओ ऐसे, और अपनी असली मम्मी के साथ आना। अब एक काम करो, शेक भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ओके। तेरे कितने आए? तू बता पहले। अबे बताना कितने आए? नहीं, पहले तू बता। अच्छा चल, एक काम करते हैं, ऑन अ काउंट ऑफ थ्री हम दोनों साथ में बताएंगे, ठीक है? चल ठीक है। 1, 2, 3 अबे पागल, देखना मैंने कितना साफ साफ लिखा है, कितनी सुंदर हैंडराइटिंग है मेरी, इसीलिए मुझे आधा मार्क ज्यादा मिला है। तो क्या हुआ, तेज तो मैं हूं ना। अबे क्या आधे मार्क्स के लिए रो रही है? चल मैं वॉशरूम होके आती हूँ, तब तक तू ना मेन्यू रेडी कर ले, बाहर जाके पार्टी करेंगे। हाफ मार्क्स ज्यादा आ रहा है ना मेरे तेज से। अभी बराबर कराती हूँ ये मार्क्स। मैम सी, आपने इसे हाफ मार्क्स ज्यादा दिया और मुझे कम। बाय बेटा, उसकी राइटिंग भी तो देखो आपसे अच्छी है। मैम तो क्या हुआ, पढ़ने में तो मैं ज्यादा अच्छी हूँ ना। मैम मैम प्लीज मैम 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 और नंबर काटू, सीट पे बैठो जाके। अब मेरा इस दुनिया में रह के कोई फायदा नहीं। तू क्यों फांसी लगा रही थी? यार क्लास में सब पास हो गए, एक मैं ही फेल हो गई हूँ। पर जब दोस्त पास हो जाए ना तो और भी दुख होता है। पर तुझे क्या हुआ? मैं भी तो फेल हो गई ना। है सच्ची? पर अब तो हम दोनों ही फेल हो गए हैं। अगर एक झूठ से किसी को हिम्मत और खुशी मिलती है ना, तो वो झूठ छूट नहीं होता। बहुत ज्यादा रिलेट किया होगा, और खासकर उन लोगों ने जिन लोगों का अभी अभी रिजल्ट आया है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। प्यार में कोई कभी मत छोड़ना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। हाँ, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।